का अंदेशा जता रहे थे। ईडी की एंट्री हो गई है रीट लेवल मामले में, ईडी ने एफआईआर दर्ज कर ली है इस मामले में, ईडी ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की है ईडी ने भी। जितनी एजेंसी है देश के अंदर उन सबका जो है अपनी भूमिका होती है, वो अपनी भूमिका निभाए तो हम क्या कर सकते हैं। सच्चाई सामने आ जाएगी और सच्चाई सामने आनी चाहिए, चाहे कोई एजेंसी हो जैसे एसओजी अच्छा काम कर रही है, पक्ष विपक्ष सब मानते हैं, फिर भी जिस प्रकार उनकी फितरत है जिस प्रकार का मैसेज दो। मैंने कहा कि चुनावी मोड में आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी, चुनावी मोड के कड़ी में असंबली ये घटनाएँ हो रही है, फैसले हो रहे हैं, और मेरा मानना है कि वो अपना काम करे और अगर सच्चे तक पहुंच सकता है और भी कोई तो मैं क्या दिक्कत। सर क्या लगता है राजनीतिक द्वेष के तहत ये सब किया जा रहा है? पूरे देश के अंदर माहौल है, रामनवमी पे दंगे हो गए, बताइए आप, जगह जगह बुलडोजर चल रहे हैं, ये कहाँ का लोकतंत्र है भाई कि आप गरीबों पे बुलडोजर चला दो, खाली नाम आ गया उनका। जब कोई दंगा होता है, तनाव होता है, तो कई लोग अरेस्ट होते हैं, कई लोग वहाँ पर छूट जाते हैं तब्ती होती तक, और अगर तनाव के वक्त में दंगा के वक्त में पकड़ ले किसी को, निर्दोष भी है, और सरकार भेज दे बुलडोजर के घरों में तोड़ने के लिए, इतना बड़ा अन्याय तो कभी देखा नहीं हमने, पहली बार देख रहे देश के अंदर। इतने बार अगर देश की दिशा में जा रहा किसी को नहीं मालूम। प्रधानमंत्री जी सोनिया गांधी जी ने डिमांड करी कि आपको आगे आके कहना ये देशवासियों को कि ये शांति से सद्भाव बनाए रखो और ये हिंसा करना उसको कंडेम करना चाहिए, इसमें क्या बुरा है, ये बात हम लोग कहते आए हैं। आज के प्राइम मिनिस्टर कहे कि भाई ये दंगा करने वाला कोई पक्ष का हो, कोई पार्टी का संबंधित हो, कोई धर्म का हो, कोई वर्ग का हो, उसको मैं कंडेम करता हूँ, अच्छी बात है। उसमें प्राइम मिनिस्टर आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, गृहमंत्री आगे नहीं आ रहे हैं? आज देश में जो माहौल बन गया है जिस प्रकार से बहुत खतरनाक माहौल बन रहा है, उस वक्त में वैसी हमारी ड्यूटी बनती है। ये तो कॉमन सेंस है इसमें तो, कि गांधी जी के ज़माने से हिंसा को कभी समर्थन नहीं किया देश ने, अहिंसा के हत्या को लेकर गांधी जी ने मुल्क को आज़ाद करवा दिया। दुनिया अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रही है, अहिंसा दिवस मना रही है गांधी जी के जन्मदिवस पर, उस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है तो पूरा दुनिया देख रही है इसको, और दुनिया में हमारे मुल्क की आलोचना हो रही है, ये समझना पड़ेगा बहुत सरकार।